नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपने आपके YouTube चैनल सरकारी नौकरी पॉइंट पे। दोस्तों, RRB NTPC अभ्यर्थी के लिए बहुत बड़ी खबर आ गई है। जी हाँ दोस्तों, जिन सभी कैंडिडेट ने RRB NTPC और ग्रुप डी के लिए अप्लाई किया है और एग्ज़ाम डेट का वेट कर रहे हैं, उन सभी कैंडिडेट के लिए दोस्तों यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से बहुत बड़ी खबर आई है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल्स पर बताएंगे जो भी यहाँ पर अपडेट आया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए कि मैं जैसे ही नया वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल पर और टेलीग्राम ग्रुप में RRB रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट मिल जाएगा। दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, हम आपको लेके चलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल है उस पर, वहाँ पर आपको पूरा डिटेल से बताता हूँ जो भी यहाँ पे अपडेट आया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं, हम अभी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे आ गए हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है दोस्तों, यहाँ पे ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे जो नोटिस दिया गया है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं रेलवे टेक्स मेनी टेप्स टू हेल्प अपेंटिसिस, यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो अपेंटिसिप है उसके बारे में यहाँ पे अपडेट दी गई है। यहाँ पे एज पर अपेंटिसिप एक्ट इन 2016 रेलवे रिजर्व 20% वैकेंसीज, दैट इज 20,734, यानी कि 20,734 वैकेंसी फॉर द अपेंटिसिप इन 1,03,769 नोटिफाइड वैकेंसी फॉर द लेवल 1 रिक्रूटमेंट करेंटली अंडर प्रोसेस। यानी कि दोस्तों जो भी आपका लेवल 1 जो रिक्रूटमेंट है आपका 1,03,769 पोस्ट के लिए, उनमें से दोस्तों आपका 20,734 पोस्ट जो है वो आपका रिजर्व कर लिया गया है अपेंटिसिप के लिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बताया, आप देख सकते हैं एज पर अपेंटिसिप एक्ट इन 2016 इंडियन रेलवे हैज़ रिजर्व 20% वैकेंसीज, दैट इज़ 20,734 वैकेंसी, यानी कि 20,734 वैकेंसी फॉर अपेंटिसिप इन 1,03,769 नोटिफाइड वैकेंसी फॉर लेवल 1 रिक्रूटमेंट करेंटली अंडर प्रोसेस। जो भी दोस्तों आपका लेवल 1 रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है, जी यहाँ पे दोस्तों 1,03,769 वैकेंसी आया है, उनमें से दोस्तों 20,734 पोस्ट जो है वो आपका रिजर्व कर लिया गया है आपका अपेंटिसिप के लिए। जिन सभी कैंडिडेट ने अपेंटिसिप रेलवे के थ्रू अपेंटिसिप किया है उन सभी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे दोस्तों रिजर्व कर दिया गया है। उसके बाद दोस्तों बताया, रिसेंटली देयर हैव बीन न्यूज़ रिपोर्ट दैट द ट्रेंड अपेंटिसिप एट रेलवे एस्टेब्लिशमेंट आर डिमांडिंग रेगुलर अपॉइंटमेंट, अपेंटिसिप एक्ट डिमांडिंग दिस बाई आस्किंग फॉर रिस्टोरेशन फॉर द अर्लियर पावर गिवन टू GMs, यानी कि जनरल मैनेजर, व्हिच वॉज डिसकंटिन्यू इन मार्च 2017। यानी कि दोस्तों पहले जो होता था, जो रेलवे का जो जनरल मैनेजर होता था उसके थ्रू दोस्तों जो लोग अपेंटिसिप करते रेलवे में उन लोगों को डायरेक्ट यहाँ पे रिक्रूटमेंट कर लिया जाता था, लेकिन दोस्तों 2017 के मार्च के बाद ये आपका डिसकंटिन्यूड कर दिया गया है। उसके बाद दोस्तों बताया कि इट मे बी नोटेड दैट रेगुलर अपॉइंटमेंट विदाउट एनी ओपन कंपटीशन एज बीइंग डिमांड बाय द सम विल बी अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल अबाउट रेगुलर रिक्रूटमेंट, यानी कि कोई भी कंपटीशन के बिना अगर आप किसी को अपॉइंटमेंट देते हो तो वो आपका हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके खिलाफ है, तो इसीलिए उसको बंद कर दिया गया था। उसके बाद दोस्तों बताया, ऑल एलिजिबल सिटीजन ऑफ कंट्री आर एंटाइटल्ड टू कम्पीट एंड अप्लाई फॉर द रेगुलर जॉब्स, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट विदाउट एनी कंपटीशन इज अगेंस्ट द रूल, यानी कि दोस्तों जिसको भी जॉब चाहिए उसको आपका कंपटीशन के थ्रू जाके जॉब लेना पड़ेगा, डायरेक्ट कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं होगा। अगर कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है तो आपका रूल्स के अगेंस्ट हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों 2017 के मार्च में जो भी GM के पास पावर था उस पावर को यहाँ पे डिसकंटिन्यू किया गया था। उसके बाद दोस्तों आप देखिए फिर से यहाँ पे जो अपेंटिसिप एक्ट है उसके तहत, यानी कि अपेंटिसिप एक्ट 2016 के तहत फिर से दोस्तों ये जो आपका 20% वैकेंसी है उसको फिर से डायरेक्ट यहाँ पे रिक्रूटमेंट करने के लिए रेलवे ने निर्णय लिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, फर्दर एज पर द अमेंडमेंट मेड इन अपेंटिसिप एक्ट 2016 एवरी एम्प्लॉयर हैज़ टू मेक ए पॉलिसी ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एक्ट अपेंटिसिप ट्रेंड इन दियर एस्टेब्लिशमेंट, कीपिंग दिस इन व्यू रेलवे हैज़ केप 20% वैकेंसी इन लेवल ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर सच अपेंटिसिप एंड गिव फेयर अपॉर्चुनिटी टू ऑल। यानी कि दोस्तों जिन सभी कैंडिडेट ने यहाँ पे अपेंटिसिप किया है रेलवे में उन सभी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 20% जो वैकेंसी है उसको रिजर्व कर दिया गया है रेलवे के तरफ से। तो दोस्तों यहाँ पे जो मेन मुद्दा बात था मैं आपको बता दिया हूँ कि आपका जो भी 1,00,000 से ज़्यादा वैकेंसी है उस वैकेंसी से 20% वैकेंसी जो है वो आपका
अप्रेंटिसिप कैंडिडेट के लिए यहाँ पे दोस्तों रिजर्व कर दिया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बताया पोजीशन ऑफ एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसिप एज पर एक्सटेंड रूल रेलवे एंगेज अप्रेंटिसिप फॉर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग इन दियर एस्टेब्लिशमेंट एज पर सेक्शन 22 ऑफ एक्ट अप्रेंटिसिप एक्ट 1961 एमेंड इन 22 December 2014 प्रोवाइडेड दैट एवरी एम्प्लॉयर शैल फॉर्मुलेट इट्स ओन पॉलिसी फॉर रिक्रूटिंग एनी अप्रेंटिसिप हु हैज़ कम्प्लीट द पीरियड ऑफ अप्रेंटिसिप ट्रेनिंग इन हिज एस्टेब्लिशमेंट इन कंप्लायंस विद द अबव इंस्ट्रक्शन अबव हैव बीन इशूड बाय रेलवे बोर्ड लेटर। यहाँ पे दोस्तों जो भी आपका 2016 का जो एक्ट है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों मैंने आपको बता दिया हूँ कि आपका जो अप्रेंटिसिप जिन सभी कैंडिडेट ने किया है उन सभी कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ी खबर है कि उन सभी कैंडिडेट का यहाँ पे दोस्तों जो है 20% वैकेंसी यहाँ पे रिजर्व कर लिया गया है। तो यहाँ पे जो भी अपडेट आया था मैंने आपको बता दिया हूँ। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ऐसे ही पल पल के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।